सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। बड़ी खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमतरी में बह गया पेंट से भरा ट्रक। रायपुर दुर्ग बस्तर संभाग में बरसात जारी है। राजनांदगांव अस्पताल में भी जल भराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। हो गया गाड़ी में सब गए। बड़ी खबर पटना से, जहां बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार की शपथ आज लेंगे। 5 साल बाद फिर महागठबंधन की सरकार फिर से बन रही है। राजभवन में नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। मंत्रियों की संख्या पर भी बात लगभग फाइनल हो गई है। आरजेडी ने विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। वहीं पार्टी ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। बड़ी खबर राजस्थान से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी अस्वस्थ हैं। ऐसी खबर सामने आई है, अस्वस्थ होने के कारण अलवर दौरा उनको रद्द करना पड़ा है। राहुल गांधी को आज अलवर में कई कार्यक्रमों में शामिल होना था, पर उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण वो शामिल नहीं हो पाएंगे। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि वो कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। प्रियंका गांधी ने उनसे आए संपर्क में लोगों से अपनी जांच कराने की अपील भी करी है। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां देश में 24 घंटे में कोरोना के 16,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 54 संक्रमितों की मौत हुई है, ऐसी खबर भी सामने आई है। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दैनिक संक्रमण दर 4.94% है, तो वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर 4.90% है। बड़ी खबर इंदौर से, जहां लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। पानी भरने से गाड़ियों की बहने की भी तस्वीर सामने आई है। वार्ड 85 के प्रजापत नगर में 2 कार पानी में बह गई। राव बिजलीपुर में हालत बेहद खराब बताई जा रही है। लोग पानी में फंसे हुए हैं। पानी मंगलवार शाम से शुरू हुई थी, तो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव उतरे हैं सड़कों पर और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बस्तियों में पानी भर गया है। रहवासियों को सुरक्षित पहुँचाने का कार्य जारी हो गया है। करिए और ये करिए कि अगर परसों पानी आए तो समस्या नहीं।